गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। सो बेसिकली हमें बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिलते हैं और उसको पता लगाना था कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर हो तो उसको किसी नंबर से भी अगर पता लगाना कि हाँ ये डिविजिबल है या नहीं है, उस केस में क्या होता है कि हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है, जो कि एक काइंड ऑफ लेंथी प्रोसेस है, टाइम लगता है उसमें। तो हम आज के क्लास में हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिसके थ्रू हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कोई एक नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। अगर हम टेंस के मल्टीपल्स देखेंगे तो टेंस के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 लाइक दैट। तो आप इसमें एक चीज कॉमन देख रहे हो कि सारे मल्टीपल्स में लास्ट में जीरो आ रहा है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि वो सारे नंबर्स जिसके लास्ट में जीरो हो वो 10 से डिविजिबल है। कुछ बड़े बड़े नंबर्स भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने 100 लिया है, 520 लिया है, 790 लिया है, 2,32,880 लिया है। तो ये सारे नंबर्स 10 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जीरो है। अगर इसको 10 से डिवाइड कीजिएगा तो ये इसका क्वेश्चन आएगा 52, इसका आएगा 79, इसका आएगा 2,328। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर में अगर लास्ट में जीरो आता है वो 10 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो सारे नंबर जिसके लास्ट में डबल जीरो आए वो सारे 100 से डिविजिबल होते हैं। ये सारे नंबर्स 100 से डिविजिबल है। व्हाई? बिकॉज लास्ट में ये डबल जीरो आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वो सारे नंबर्स 100 से डिविजिबल होंगे जिसके लास्ट में डबल जीरो आता है। सिमिलरली अगर हमें देखना होगा कि 1000 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, 10,000 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, तो जितने भी लास्ट में जीरो आते हैं अगर उतने ही जीरो किसी भी नंबर में लास्ट में है तो सारे नंबर उस नंबर से डिविजिबल होंगे। सो ये एक ट्रिक है। किसी भी लाइक 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख उसका डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। मैंने एक पैटर्न लिख रखा है यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब आप ये देख रहे हो ये जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स 5 के मल्टीपल्स हैं, राइट? 5 भी है, 10 भी है, 15 भी, 20, 25, 30, राइट? और इन सारे नंबर्स में आप एक चीज देख रहे हो कि जो वंस प्लेस है वहां पे आइदर जीरो आ रहा है या 5 आ रहा है, राइट? यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, 5, 0, 5, 0। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0 या 5 आए वो 5 से डिविजिबल है। मैंने बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। आप ये देखो कि सारे नंबर्स जो हैं वो 2 के मल्टीपल्स है, 10, 12, 14, 16, दिस ये जो बड़े बड़े नंबर है ये भी 2 के मल्टीपल्स है। अब इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो वंस प्लेस पे है वो आइदर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये 5 ही नंबर है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि सारे नंबर जिसके वंस प्लेस पे ये 5 नंबर हो, और अगर इन 5 नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, राइट? तो हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर वो 2 से डिविजिबल होगा तभी जब उसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आए, और जब भी ये नंबर्स आते हैं वंस प्लेस पे वो सारे नंबर्स इवन होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं सारे इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं। बोर्ड पे मैंने कुछ नंबर्स लिख रहे हैं। फर्स्ट रो में आप देखिए 21, 27, 54, 219। आप ये सारे नंबर्स देखोगे तो सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल है, राइट? और यहां सेकेंड रो में मैंने कुछ नंबर्स लिख रहे हैं 25, 37, 260। ये सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप चेक करोगे डिवाइड करके 3 से तो ये डिविजिबल नहीं है। अब आप चेक करोगे कि इसमें कुछ आपको पैटर्न दिखेगा और इसमें वो पैटर्न नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूं क्या पैटर्न है। अगर इस नंबर के दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 + 1 दैट इज 3,
यहां ऐड करेंगे 2 + 7 दैट इज 9, यहां ऐड करेंगे 5 + 4 9, यहां ऐड करेंगे 2 + 1 3 3 + 9 12, राइट। ये इन डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं उनको जब ऐड करने के बाद ये नंबर आया है। अब आप देख रहे हो कि ये सारे नंबर 3 के मल्टीपल्स है और या 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। तो वो सारे नंबर्स जो जिनके डिजिट्स ऐड करने के बाद जो सम आता है, अगर वो 3 का मल्टीपल है या 3 से फुली डिवाइड हो जा रहा है, वो सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे। सेम चीज यहां देख लेते हैं, 2 + 5 दैट इज 7, 3 + 7 10, 2 + 6 + 0 दैट इज 8। ये सारे नंबर्स 3 के मल्टीपल्स नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये भी नंबर्स 3 से डिवाइड नहीं होंगे। मैंने बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, यहां पे है 18, 24, 48, यहां पे है 27, 39, 45 और यहां पे है 26, 28, 32। अब ये जो नंबर्स हैं आप देख पा रहे हो, ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल, राइट। 18 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, और 18 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है, राइट। सिमिलरली ये 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है, और ये भी 2 से, 3 से और 6 से, तीनों से है। अब यहां पे कुछ नंबर्स हैं, ये सिर्फ डिविजिबल है 3 से, तो सिंस ये 3 से डिविजिबल है लेकिन ये 6 से डिविजिबल नहीं है, तो ना ही ये 2 से डिविजिबल है ना ही 6 से डिविजिबल है, ये 2 और 6 दोनों से डिविजिबल नहीं है। यहां पे कुछ नंबर्स हैं, ये 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल है बट 3 से नहीं है, तो 3 से नहीं है और 6 से भी नहीं है, तो 3 और 6 से ये डिविजिबल नहीं है। तो अब इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि वो सारे नंबर्स जो 2 से और 3 से डिविजिबल हैं वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। बोर्ड पे मैंने फर्स्ट रो में वो सारे नंबर्स लिखे हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, और सेकेंड रो में मैंने लिखे हैं वो सारे नंबर्स जो 4 से डिविजिबल नहीं है। अब आप जो डिविजिबल हैं उसमें आप एक पैटर्न देखोगे कि जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, जो नंबर फॉर्म हो रहा है वंस और टेंस को मिला के, वो क्या है, 12 है, यहाँ 36 है, यहाँ 16 है, यहाँ पे 32 है। अब आप देखो कि सारे ये जितने भी नंबर्स हैं जो वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको मिला के बने हैं, वो सारे 4 से डिविजिबल है, 4 के मल्टीपल्स हैं। जैसे कैसे, ये 4 × 3 है, ये 4 × 9 है, ये 4 × 4 है और ये 4 × 8 है। अब ये जो नंबर्स, इसमें आप देखोगे 86, 82, 14, ये सारे तीनों नंबर्स 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि वो सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल होंगे अगर उसके लास्ट 2 डिजिट दैट इज जो टेंस और वंस को मिला के जो नंबर बन रहा है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तब। मैंने फर्स्ट रो में वो सारे नंबर्स लिख रखे हैं जो 8 से डिविजिबल है, और नीचे में वो सारे नंबर्स लिख रखे हैं जो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो अब इसमें एक पैटर्न देखते हैं। अब जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं दैट इज वंस, टेंस और हंड्रेड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उसको अगर हम मिला के नंबर देखते हैं वो क्या है, यहाँ पे 000 है, यहाँ पे 104 है, यहाँ पे 416 है और यहाँ पे 216 है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये भी 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है, इसको लिख सकते हैं 8 × 0, इसको लिख सकते हैं 8 × 13, इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 8 × 27। तो अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब यहां पे देख रहे हो 212 है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, 106 नहीं है, 420 नहीं है और 218 ये डिविजिबल नहीं है। तो वो सारे नंबर्स 8 से डिविजिबल होंगे जिसके लास्ट 3 डिजिट्स भी 8 से डिविजिबल हो। तो मैंने फर्स्ट रो में वो सारे नंबर्स लिखे हैं जो 9 से डिविजिबल हैं और सेकंड रो में वो सारे नंबर्स लिखे हैं जो 9 से डिविजिबल नहीं है। अब आप इसमें एक पैटर्न चेक देखोगे कि क्या पैटर्न बन रहा है। अगर मैं इनके
जितने भी डिजिट्स प्रेजेंट है उसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या बनता है, 1+8 9, 2+7 9, 5+4 9, 4+6 10, 10+8 18, 5+2 7, 7+8 15, 15+3 18। अब आप ये देख रहे हो कि जो जब मैंने डिजिट्स को ऐड करके जो नंबर आया है वो सारे नंबर्स 9 से डिविजिबल है, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ, इन तीनों को मैं लिख सकता हूँ 9 × 1, और इसको लिख सकता हूँ 9 × 2, राइट। तो ये सारे नंबर्स 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे आप चेक करोगे 7+5 12, 12+8 20 होगा, 8+1 9, 9+1 10, और यहाँ होगा 2+2 4, 4+5 9। ये डिविजिबल है बट ये सारे डिविजिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो सारे नंबर्स 9 से डिविजिबल होंगे अगर उसमें जितने भी डिजिट्स प्रेजेंट हैं उनको अगर हम सम करें और वो 9 से डिविजिबल हो तब। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रखा हूँ। जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं वो 11 से डिविजिबल है और जो लास्ट नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो चेक करते हैं कि इसका इसमें हम लोग पैटर्न कैसे फाइंड आउट करके और हम लोग डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे। हम क्या करते हैं इसके लिए, पहले चेक करते हैं ऑड प्लेस पे, ऑड नंबर्ड प्लेस पे। ऑड प्लेस क्या है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये 1 2 3 और फिर ये 1 2 3 4 5। तो जो ऑड प्लेसेस है 1 3 4, इस प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका पहले हम सम निकालेंगे और ये जो ऑड प्लेसेस हम चेक करेंगे वो राइट साइड से चेक करेंगे। तो 8+3 11, यहाँ पे 1 2 3, 1+3 4, यहाँ पे 9+8 17, 17+6 23, और यहाँ पे होगा 1+0 1, राइट। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 3+1 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, 0+1 1, और यहाँ पे हो जाएगा 5+8 13। अब ये जो नंबर्स आ गए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस जो है 0 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 22 आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस 12 आ रहा है। तो अब ये आप चेक कर रहे हो, यहाँ पे है 0 है और 22 है। तो इससे हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर डिफरेंस करने के बाद हमारा 0 आता है या वो नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल है तब सारे नंबर, तब वो नंबर्स 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। अगर वो नहीं आता है, कुछ और आता है, तो वो डिविजिबल नहीं होगा।